हाय फ्रेंड्स, कभी आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है एंड आप जो है उसको संभाल नहीं पा रहे। काम पाइलअप होता जा रहा है लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। इन केस में आपको क्या करना चाहिए? वेल, देयर आर टू सॉल्यूशंस टू इट एज सजेस्टेड इन द बुक गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एंड Atomic Habits by James Clear. In Getting Things Done, David Allen has said ki if any work that requires just 2 minutes to complete, you should do it now. अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम लगता है तो उसको कल परसों के पीछे नहीं छोड़िए, अभी करिए। Not even after 1 hour. Just do it now. Let's say कि आपके पास आपको किसी ईमेल का रिप्लाई देना है, किसी को एक क्विक कॉल करना है या मैसेज करना है। डोंट टेक द टाइम, जस्ट डू इट राइट नाउ। एंड इन एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर हैज सेड कि अगर किसी काम को करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा लगता है या बहुत सारा टाइम लगता है तो ब्रेक इट डाउन इंटू सेवरल स्टेप्स। लाइक आपको बुक पढ़ना है, कोई कोर्स पढ़ना है, ठीक है, यू हैव टू लर्न अ लेसन, ओके, यू हैव टू डू अ होमवर्क, यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ अ जॉब एज सच, ऑफिस रिलेटेड, घर रिलेटेड। इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, डू इट, उसको छोटे छोटे पीसेस में करिए एंड गेट इट डन। एज सून एज यू गेट अ टाइम, गेट इट डन इन पीसेस बाय पीसेस। And once you start doing it into pieces by pieces, you will see that within no time that work is finished. वो work, जो काम है आपका, वो pile up होना कम हो जाएगा और वो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। Very small example. Let's say कि आपको एक book read करनी है, ठीक है? Books maybe 100 pages, 180 pages. It seems to be a big task. ठीक है, बट आप अगर उसको हर समय हर बार 2 मिनट्स केवल दें, 2 मिनट्स में कितना पढ़ लेंगे आप? आई बिलीव 1 पेज और 2 पेज, अगर आप अच्छे पढ़ सकते हैं। अगर आप उतने तेज नहीं पढ़ते हैं तो 2 पैराग्राफ, बट ईच टाइम यू विल रीड 2 पैराग्राफ्स, आप एक स्टेप क्लोजर होंगे बुक खत्म करने के। नहीं करने से, नहीं पढ़ने से तो अच्छा है। सो Start following atomic habits and break all your tasks into smaller parts and start completing it. You will find a good change in you. Thank you.